a place where the horizontal component of Earth's magnetic field is zero lies at. Underline करो बरा horizontal component of Earth's magnetic field is a zero. यानी वो जगह जहां अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी रे बीएच रे बाबू कौन रे बाबा BH. अभी मैंने फार्मूला बताया ना टैन फाइ इक्वल टू बी वी बाय बी एच है ना. तो अभी बोल रहा है कि वो कौन सी जगह है जहां पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच जीरो रहता है. तो बरोबर ध्यान दो, आपको पूछा है कि वो कौन सी जगह है जहां पे बी एच क्या रहता है, जीरो रहता है. ये एक एमसीक्यू पूछा बरोबर. तो जाहिर सी बात है दूसरा एमसीक्यू ये भी रहेगा जो पूछा नहीं है कि बी वी इक्वल टू जीरो तो वो जगह कौन सी है ना. आपको सिर्फ कौन सा क्वेश्चन पूछा है, पहला वाला कि वो जगह बताओ जहां पे बी एच क्या रहता है, जीरो रहता है. बी एच क्या रहता है, जीरो. मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा अभी सुनो बरोबर ध्यान दो, अर्थ की कौन रे बाबा बी एच एन ए कौन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. और बी वी एन ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. हाँ अभी वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको लिख के दिया है, ऑलरेडी लिख के दिया है. अभी बरोबर ध्यान रखिए, जब भी आपको बोला जाता है कि बी वी इक्वल टू बी एच इक्वल टू जीरो यानी अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो कहाँ रहता है, तो वो है जियो मैग्नेटिक पोल्स पे. अब मैं पूरा डिटेल में यहाँ बताता हूँ लेकिन पहले समझो कहाँ पे रहता है वो जीरो, जियो मैग्नेटिक पोल्स पे. और दूसरा जो पूछा नहीं है वो पूछा, मतलब अगर आपको पूछा कि बी वी इक्वल टू जीरो तो वो क्या रहेगा, जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे. कहाँ पे रे बाबू, जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे. तो अभी मैं पूरी आपको कहानी उसकी बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो. मैंने आपको बताया अर्थ, ये देखो ये हमारी अर्थ, क्लियर. हाँ ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये कौन बेटा, और ये, और मैंने आपको बताया ये वर्टिकल को थोड़ा एंगल करके, कल की बात और उसके पहले दिन की भी बात. हाँ ये जो लाइन होती है देखिए क्या बेटा, ये लाइन आप ही बता दो, ये कौन कौन रे बेटा, रे मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर क्या, बरोबर. और ये लाइन यानी मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस कौन होती है, एक लाइन होती है, कौन होती है रे बाबू रे, कल मैंने बताया ना इस अर्थ को एप्पल समझो और उसमें आपने एक सुई ऐसी निडल क्या की, पास की, तो ये कौन होगी रे बाबू, मैग्नेटिक एक्सिस, ये कौन लाइन. और बाद में एक चाकू लिया और आपने वहां से क्या किया, उस प्लेन पे कट किया, तो ये जो प्लेन है ये कौन होता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ क्लियर क्या, बरोबर क्लियर. अच्छा अब बरोबर ध्यान दो, अब बरोबर ध्यान दो, तो मैग्नेटिक एक्सिस क्लियर, मैग्नेटिक एक्सिस क्लियर. तो मैग्नेटिक एक्सिस को जो लाइन परपेंडिकुलर रहती है क्या रे बाबू, तो ये कौन होगी बताओ बरा, अरे मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया ना, कौन हो गया, क्लियर क्या, कौन हो गया, पक्की बात. अभी यहां देखो मुझे बताओ आप कि यहां पे आपको कितनी लाइंस दिखाई दे रही है ये बताओ मुझे, चार, अरे चार दिखाई दे रही है ना, है कि नहीं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, क्लियर पक्का. और ये वाली वर्टिकल को थोड़ा एंगल बना के ये जो है ये कौन है, ये निडल
सुई, और वो चाकू बताया प्लेन से काटा, तो वो प्लेन को लिख लेता हूं लगे तो मैं, वो प्लेन कौन रे बाबा? अभी आपने बताया, लिखो यहां, लिख लो कौन रे बाबू रे ये? ये देखो लिखा पक्का? हाँ, अब बरोबर समझो सर, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये सुई बरोबर है। अच्छा, इस सुई को अगर हमने दूसरी परपेंडिकुलर सुई अगर ये की तो ये ऑटोमेटिकली कौन हो जाएगी? पक्का? अच्छा, वो चाकू की बात बताई, इसको कट किया तो वो तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, आप ही नहीं बताया, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे सर ये मैग्नेटिक एक्सिस ये सुई सर, हाँ, इसको परपेंडिकुलर सुई सर ये मैग्नेटिक इक्वेटर, कौन रे बाबू? आपको याद होगा मैंने अर्थ का वो जो ग्लोब है वो आपको दिखाया था, और मैंने बार बार पूछा था, 5 मिनट उसी में दिए थे कि बेटा इक्वेटोरियल लाइन देखो, इक्वेटोरियल लाइन देखो, इक्वेटोरियल लाइन देखो, बताया था ना इक्वेटोरियल लाइन। अरे तो ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं बेटा, ये इक्वेटोरियल लाइन है ना रे? क्या है रे बाबू? हॉरिजॉन्टल यानी कौन है? ये कौन है? ये जो है ये देखो, ये इक्वेटर है रे बेटा, ये जो दिख रही है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा तो मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ऐसे आपने कट किया फिर से चाकू से, तो वो लाइन जो है वो कौन सी हो जाती है? इक्वेटोरियल लाइन। या वो जो प्लेन हो गया वो कौन सा हो गया? इक्वेटोरियल। क्लियर क्या? हाँ, तो ये देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ रे बाबू रे। ये इसे शब्द बना न्यूज, एन ई डब्ल्यू एस, न्यूज। ये इसे शब्द बना एन ई डब्ल्यू एस, न्यूज, मतलब न्यूज यानी पूरी ग्लोब की इंफॉर्मेशन, पूरे ग्लोब में क्या हो रहा है, यहां से ही हमारे ग्लोब में जो हो रहा है वही क्या है? न्यूज है ना? हाँ, ओके। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है बेटा, एक्चुअली वो क्या है? इक्वेटर। क्या है रे बाबू रे? इक्वेटर है। और इसको कौन सा इक्वेटर बोलते हैं? सर इक्वेटर तो ये है ना, अरे लेकिन ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। कौन सा? ये एक्सिस। तो सुनो, ये जो है मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है वो कौन? जियोग्राफिक इक्वेटर। कौन है रे बाबू रे ये? जियोग्राफिक इक्वेटर। अब बरोबर ध्यान दो रे बाबू रे, कौन है ये? और जियोग्राफिक इक्वेटर को जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्या बोलोगे? जियोग्राफिक पोल। क्या बोलोगे रे बाबू रे? क्या बोलोगे, बोलो जल्दी। अरे वैसे भी आप इसको क्या बोलते रे बाबा? पोल बोलते हैं ना। अरे नॉर्थ साउथ पोल, अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल, क्या बोलते रे बाबू इसको? अरे पोल ना, अर्थ का, अरे अर्थ यानी जीवो, अर्थ यानी जीवो। आपने जियोग्राफी पढ़ी ना? जियोग्राफी, जीवो यानी अर्थ, ग्राफी यानी उसका भाग, भूभाग। फिर वो अमेरिका पढ़ना है तो अमेरिका, इंग्लैंड का पढ़ना है तो इंग्लैंड का, ना बोलो। तो ये कौन रे बाबू रे? वर्टिकल यानी कौन है ये? जियोग्राफिक पोल। हॉरिजॉन्टल कौन है? हाँ, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वर्टिकल को थोड़े से स्लैंटेड रहती है, तो वो एक्सिस यानी कौन सा? तो अभी कंफ्यूज मत होइए, यहाँ आए क्या समझ में? क्लियर क्या? तो ये जियोग्राफिक इक्वेटर, ये जियोग्राफिक पोल, इसको पोल बल बोल सकते हैं या एक्सिस बोल सकते हैं? क्लियर? बोलो बोलो। हाँ, तो ये जियोग्राफिक एक्सिस या जियोग्राफिक पोल, तो एकदम सादे हो गए, चार बातें ना रे, चार बातें ना, कितने? चार बातें। चार बातें यानी कौन सा? देखो, चाचा चाची, मामा मामी, ये चार लोग अभी ख्याल में रखो। ए चार लोग, पहले मामा की बात कर लेते हैं। ये मामा मैग्नेटिक एक्सिस कौन? तो उसको परपेंडिकुलर कौन? मामी। क्लियर क्या? बोलो। अच्छा, ये मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस ना, तो मामा और उसको परपेंडिकुलर मामी।
और ये चाचा, अरे ज्योग्राफी, ज्योग्राफिक एक्सिस चाचा, उसको परपेंडिकुलर चाची। कितना सिंपल कर दिया, अब भूलोगे क्या? नहीं। हाँ तो अभी सुनो, तो ये हॉरिजॉन्टल ना रे, ये हॉरिजॉन्टल ना, यहाँ डीएच रहता है, क्या रहता है? और यहाँ पे क्या रहता है? बीवी है ना। तो अब मुझे बताओ बरा, हॉरिजॉन्टल पे बीएच रहती है, हॉरिजॉन्टल यानी कौन है ना, यहाँ पे बीएच है ना, तो बीएच की वैल्यू जीरो रहेगी क्या? नहीं। तो बीएच की वैल्यू जीरो कहाँ रहती है? जहाँ बीवी है, ये बीवी है ना रे बाबू, तो जो बीवी है वहां पे बीएच रहता है जीरो, और जो बीएच रहता है वहां पे बीवी रहता है जीरो। अरे यही तो पूछा है ना आपको, क्या पूछा है कि बीएच जीरो कहाँ है? देखो बरे, बीएच जीरो कहाँ है? फिर ज्योग्राफिक पोल पे, यानी ही एक्सिस पे। क्लियर क्या रे बोलो? ये प्रश्न पूछा, और जो नहीं पूछा मैंने एक्स्ट्रा बताया, एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं कि बीवी कहां जीरो, कहां जीरो बताओ फिर? ज्योग्राफिक इक्वेटर पे। क्लियर क्या? तो जहां बीएच है वहां बीवी कितना रहेगा? जीरो। और जहां बीवी है वहां बीएच कितना रहेगा? जीरो। तो आपको प्रश्न पूछा ना कि बीएच जीरो कहां होता है, तो बीएच यहां पे होता है, यहां ढूंढोगे बीएच तो आया क्या समझ में? और बीवी यहां होता है, यहां ढूंढोगे हॉरिजॉन्टल पे तो पहले इसका जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वन ऑफ द जियो मैग्नेटिक पोल्स। क्या रे बाबू? जियो मैग्नेटिक। क्लियर क्या? हेलो बोलो। हाँ ये क्लियर, क्लियर बोलो। ये जियोग्राफिक यानी अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं? जियो मैग्नेटिक। क्लियर क्या? हाँ तो ये बीएच और ये बीवी, तो बीएच पे बीवी क्या रहता है? जीरो। और बीवी पे बीएच क्या रहता है? हाँ तो ये देखो जियोग्राफिक। क्लियर क्या बोलो? जियोग्राफिक यानी ही जियो मैग्नेटिक, और ये वाला जियो मैग्नेटिक इक्वेटर और ये जियो मैग्नेटिक पोल। क्लियर क्या? फिर से बताओ, फिर से कितने एक्सिस दिख रहे हैं? फिर से बोलो। चार। कितने दिख रहे हैं? पक्का? हाँ तो मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्लियर? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मैग्नेटिक, ये जो मैंने बताया कि अर्थ खुद ब खुद क्या है? एक मैग्नेट है। अर्थ खुद ब खुद क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कहाँ होती है? वर्टिकल, थोड़ी सी ये वाली रहती है। क्लियर क्या? हाँ तो ये कौन फिर? मैग्नेटिक एक्सिस, इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर क्या? और जो हॉरिजॉन्टल है वो कौन? ज्योग्राफिक इक्वेटर या जियो मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर? और वर्टिकल कौन? जियो मैग्नेटिक एक्सिस या ज्योग्राफिक एक्सिस, एक्सिस यानी पोल। क्लियर क्या? हाँ तो फिर बताओ, जहां ये बीएच यहां पे है, यहां बीवी ढूंढोगे तो जीरो, और ये बीवी यहां पे है, अरे वर्टिकल पे, हाँ तो वहां बीएच कितना रहेगा? जीरो। क्लियर क्या? यस। तो सिंपल सी बात है, आपको प्रश्न पूछा बीएच जीरो कहा, कहा रे बीएच जीरो? जियो मैग्नेटिक पोल पे। क्लियर क्या बोलो? और ये पूछा नहीं आपको बीवी जीरो, लेकिन मैं बता रहा हूं ये कहां पे जीरो? जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे। क्लियर? तो जो प्रश्न पूछा उसका जवाब है फोर्थ वाला, ऑप्शन डी। क्लियर?